सो हे गाइस, वेलकम टू द मेडिकल जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों डायरियल प्रॉब्लम्स के लिए, यानी दस्त, पेचिस, अतिसार के लिए आप किन किन दवाएं का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई है और गर्मी में ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है गर्मी में, और तभी लोगों को बार बार बोतल बोतल चढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप दवाइयाँ सही टाइम से लेते हैं या सही दवाइयों का यूज़ करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। कुछ दवाइयों के बारे में अब आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सहायता से या फिर अपने फार्मासिस्ट की सहायता से इनके बारे में यूज़ करके, और तब आप इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे सभी को पता है कि दस्त होने के कारण होते हैं कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। गंदा खान पान होना, एक स्पाइसी फूड खाना, नमक मिर्च मसाले ज़्यादातर यूज़ करना, या फिर तेल की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, पानी का गंदा पानी का ज़्यादा यूज़ करना, आहार नाल में इन्फेक्शन हो जाना या फिर आंतों में इन्फेक्शन हो जाना, और जो बच्चों में ज़्यादातर कंडीशन जो होती है वो डिब्बे के दूध की वजह से बच्चों में डायरिया जो होता है होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कारण होते हैं अधिकतर जो अतिसार, डायरिया, दस्त, पेचिस होने के, तो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर इसका सही टाइम से इलाज ना किया गया तो पेशेंट ही जो होती है डेथ भी हो सकती है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अगर बच्चों को दस्त स्टार्ट हो गए हैं तो तुरंत इलाज करवाएं, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपका बच्चा की प्रॉब्लम भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए लापरवाही ना करें। जब भी बच्चे को दस्त वगैरह होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी दस्त होते हैं तो गुदा मार्ग से बराबर पानी ही निकलता रहता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपना खुद का कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नमक पानी का घोल पिलाते रहिएगा, ORS आप लेते हैं तो आप सामान्य तौर पर से इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा यूज़ करें, ताकि अगर बच्चे को या फिर बड़ों को हो भी रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, तो शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी होगी तो उनको वीकनेस आने शुरू हो जाएगी, जिससे थकावट जैसे बताते रहते हैं, भैया दस्त भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, तो एनीमिया की कंडीशन आगे भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप ORS का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर इमरजेंसी में दवाइयाँ नहीं मिलती है तो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और जो बच्चों में होता है तो बच्चों में क्या करते हैं कि भैया जो दूध होता है डब्बे वाला दूध ना ही यूज़ करें तो ही बेटर होगा। जो मदर अपना खुद का यूज़ दूध उनको दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो साफ़ सफाई से पानी का यूज़ करें, अच्छे से उबाल कर फिर बच्चों को आप इन चीज़ों का ये दे सकते हैं। तो कुछ दवाइयों के बारे में आपको बता देता हूँ जो काफ़ी सेफ एंड इफ़ेक्टिव होती है आपके इंडाइजेशन प्रॉब्लम यानी दस्त वगैरह की प्रॉब्लम के लिए। आप इन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, आसानी से मेडिकल्स में भी मिल जाएगी। पहली दवाई की बात करते हैं तो आपने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा, मेट्रिनजाजोल, जो काफ़ी टाइम से आती है। ब्रांड नेम से मेट्रोजिल एंड फ्लाइजिल के नाम से आपको मिल जाती है। 200 and 400 mg में आपको मिल जाएगा। टीनेजर जैसे जो होते हैं 12 से 15 साल के, वो 200 mg का काफ़ी सफिशेंट डोज होता है, और जो एडल्ट के लिए 400 डोज होता है हो जाता है, और जो बच्चों में आता है सिरप के रूप में आपको मिल जाता है। डोजेस की बात करते हैं तो टैबलेट आप दिन में 2 से 3 बार तक इसका यूज़ किया जा सकता है, और बच्चों में 3 साल तक के बच्चों में 250 ml तक सिरप के रूप में, और 4 से 6 साल के बच्चों को 5 ml 2 टाइम, और 7 से 12 साल के बच्चों को 10 ml तक दिया जा सकता है। और 12 ml के बाद तो आप टैबलेट का यूज़ भी करवा सकते हैं। 200 mg का जो टैबलेट आता है, आपको ये टैबलेट आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, किसी भी मेडिकल से सस्ती टैबलेट है, 20 रुपये का मात्र 15 गोली आपको ये मिल जाएगा, तो इस टैबलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी टैबलेट आती है नॉर्फ्लॉक्स टीजर, जिसमें नॉर्फ्लॉक्सासिन एंड टिंडाजोल होता है। टिंडाजोल जो होता है दोस्तों एक प्रोटोजोल है, यानी आपके पेट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉर्फ्लॉक्सासिन जो होता है एंटीबायोटिक होता है, जो स्टमक एंटीबायोटिक यानी पेट के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ किया जाता है। साथ में ये डायरिया तो हो ही रहा है उसको यूज़ करता है, आपके UTI के इन्फेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है, पेट में किसी प्रकार का गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी दूर करने में उपयोग किया जाता है। एडल्ट की डोज होती है, सुबह शाम आप इसका ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी टेबलेट है। नॉर्फ्लॉक्स टीजर के नाम से ही आपको इजीली मेडिकल्स में मिल जाएगा। तीसरा टैबलेट आता है ओफ्लॉक्स ओजेड, जिसमें ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल होता है, और इंडाजोल भी प्रोटोजोल टैबलेट्स होती है।
जैसे कि गंदगी के पानी की वजह से आपने कहीं पर गंदा पानी पिया, गंदा खाना खाया, जिसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया है जो जल्दी से रिकवरी नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, तो काफ़ी बेस्ट टैबलेट आती है, बेहतरीन रिजल्ट इस टैबलेट का मिलता है, ओफ्लोक्स ओजेड का। अगर दस्त नहीं रुक रहे हैं तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। एडल्ट का एक एक टैबलेट सुबह शाम काफ़ी सफिशेंट हो जाता है, और बच्चों में जो होता है 40 mg प्रति केजी के हिसाब से दिन में एक या दो बार दे सकते हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट इसके बारे में ज़रूर कर लीजिएगा। चौथा और लास्ट टैबलेट आता है सिप्रोफ्लॉक्सिन टीजेड, यानी सिप्रोफ्लॉक्सिन टीजेड होता है, ट्रिनिडाज़ोल होता है, प्रोटोजोल के नाम से आता है। ट्रिनिडाज़ोल और ओरिंडाज़ोल काफ़ी अच्छी टैबलेट आती है आपके दस्त को रोकने में, काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब जो सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है उसमें क्या होता है, ये आपके लंग्स के इन्फेक्शन में काम करता ही है, कोलन करता है, यानी पेट में चुभन हो रहा है, साथ में आपको दस्त भी हो रहे हैं या फिर खांसी वगैरह हो रही है, तो आप लंग्स में इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट्स का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो सर्जरी वगैरह होती है पेट का, तो उसको पेट को खाली करवाने के लिए भी बाद जब दस्त वगैरह रोकने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट्स का आप यूज़ में ला सकते हैं। बहुत बढ़िया टैबलेट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। डोजेज आती है, दिन में एक से दो बार तक इसको दिया जा सकता है, खाना खाने के बाद ही इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। अब डोजेज होती है इसलिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सपोज पेशेंट को दिन में 4 से 5 बार हो रहा है, तो उसको डोज होती बढ़ा के दी जाती है, किसी को 10 बार हो रहे हैं तो उसको डोज हैवी करके दिया जाता है। अब इन टैबलेट्स के साथ साथ आप जैसे कि लोफ्रामाइड टैबलेट आती है, जो रोको टैबलेट आती है, कैप्सूल आता है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अफीम होता है उसमें एक प्रकार का, जो पेट को सुखाने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है, लेकिन वो बच्चों में ही अवॉइड करें तो ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चों का पेट एकदम से सुखाना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर बच्चों का पेट साफ करने के लिए फिर अलग से आपको दवाई देनी पड़ेगी, तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से ही अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। ये तो दोस्तों 4 टैबलेट जो एंटी डायरियल के लिए काफ़ी बेस्ट टैबलेट आती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इनके, जैसे कि सिर दर्द, उल्टी, मितली होना, चक्कर आना, ऐसा कुछ हो सकते हैं, पेट में दर्द वगैरह या फिर कमजोरी से महसूस इन दवाइयों से हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो तो इनके साथ प्रोबायोटिक टैबलेट्स आप दे सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, बैसिलस ड्रग्स होता है, उसके साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा पेट के इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट होता है। साथ में आपको ORS का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अगर किसी को डायरिया, दस्त, पिचेस वगैरह हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।